सलाम वालेकुम, हम कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज बेसिकली हम जो अपना ऑनलाइन लर्निंग फोरम का डे 14 जो है वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का कोई हमारे शीट से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दूंगा। सो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा कि फर्दर आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। OMR शीट से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो आप लोगों को मैं देनी थी, क्योंकि पिछले साल एक ही साल हुआ है, लाइक 2022 के एग्जामिनेशन में ये जो है OMR शीट जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो भी बेसिकली किसी वजह से आप लोगों के पेपर्स में जो है मैनुअल चेकिंग हुई, OMR शीट से रिलेटेड चेकिंग नहीं हुई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है मिस्टेक हुई थी रिगार्डिंग के उन्होंने अपने जो है प्रॉपरली किसी ने सर्कल्स नहीं लगाया, किसी ने किया। तो मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे, मतलब कि आपने अपने फिल करना है OMR शीट। और सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि एनुअल एग्जाम 2023 में OMR शीट के जो बेसिकली आपने करना किस तरीके से होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इस तरीके से आपकी शीट आएगी एक, और उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रुप होगा। ग्रुप के अंदर आप कोई सा भी ग्रुप लिख सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर प्री मेडिकल लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्री मेडिकल लिखने के बाद उसके बाद पेपर्स आपका बेसिकली कौन सा है, आप पार्ट वन के हो या फिर पार्ट टू के हो। पार्ट वन का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर। पार्ट सेकेंड का मतलब है सेकेंड ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिजिक्स लिख देता हूँ, सही है। उसके बाद जिस डेट को आपका एग्जामिनेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल 24th मई, सही है, 24th मई आ गया। सेंटर का नाम होगा, जैसे कि आपका जो भी सेंटर है, ठीक है, गर्ल्स का जहाँ भी सेंटर पड़ा हुआ है वो नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर सैयद कॉलेज, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटर पड़ा और आप सप्ली दे रहे हो अपने, तो आप सप्ली के ऊपर टिक करोगे और यहाँ पे आपका जो है 2023 आ जाएगा। इन केस अगर आप सप्ली नहीं दे रहे हो तो आप एनुअल के ऊपर टिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देगा। अगर आप गवर्नमेंट हो तो आपके पास जो है इनरोलमेंट कार्ड होगा, तो आप इनरोलमेंट पर टिक लगा के यहाँ पे नंबर लिख देना इनरोलमेंट का, जो भी एक्स वाई जेड आपका नंबर है। ये सेंटर स्टैम्प है, ये खुद ही जो आप सेंटर में होंगे वहीं पर ही होगा, उधर ही आपको गाइड करेंगे और वही स्टैंप लगाएंगे, आपका इसमें नहीं है। अच्छा, क्रैक मेथड क्या है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। क्रैक मेथड ये है, क्योंकि ये देखो OMR का मतलब है ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। मतलब ये इस तरीके से है कि यार आपको एकदम ना फिल पूरा सर्कल के अंदर करना होगा, थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? देखो यार, क्योंकि ये वाला जो मामला है ये ऑटोमेटिक होता है, लाइक स्कैन करता है जो आपके बबल शीट, इसको कहेंगे बेसिकली। इतना समझ लो कि ये आपका ना, कुछ लोग बबल शीट भी कहते हैं, OMR शीट नहीं कहते इसको, बेसिकली बबल शीट कह देते हैं। अब बबल शीट जो है आपकी, ठीक है, इस बबल शीट पे आपने ऐसे करके ना एकदम बाहर नहीं निकालना है इसको, यूं करके बाहर नहीं निकालना है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये MCQs के जो नंबर्स हैं वो कट हो जाएंगे आपके, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब स्कैन होगा और आपका MCQs के जो बेसिकली इस तरह से बाहर निकला होगा तो वो रीड ही नहीं करेगा स्कैनर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सिंपल सा ये करना है कि एकदम जो है ना ऐसे नहीं करना, लाइक देखो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप कुछ बच्चे यूं करके छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे टिक लगा देते हैं, कुछ बच्चे बस सर्कल यू राउंड कर देते हैं ऐसे करके बस और छोड़ दिया। नहीं, आपने पूरा कलर जैसे कर रहे होते हो ना, आपने वैसे करना है, ठीक है। जैसे कि भाई मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल अंदर, मतलब कि जो है ना ये होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, सही है। तो बिल्कुल जब आप ऐसे करोगे तो ये आपका जो होगा ये करेक्ट वे होगा। अगर आप इस तरीके से टिक लगा देते हो, या इस तरीके से भाई हल्का सा कर देते हो, या इस तरीके से यूं यूं आप सर्कल घुमा देते हो, तो ये आपका पूरा रॉन्ग वे होगा। अब ये आप करने के लिए आप इसमें बॉल पेन यूज कर सकते हो, लाइक ब्लू बॉल पेन ले लो, इसको करने के लिए ब्लू बॉल पेन कर लो, ठीक है, या फिर अगर ब्लू बॉल पेन नहीं तो ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो, सही है। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सही वे है कि आपका एकदम ये जो है ना बाहर नहीं निकलना चाहिए, एकदम ये एकदम आपके सीज में होना चाहिए। अब थोड़ा नीचे चल लेते, यहाँ पे रोल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका अगर रोल नंबर है मेरा जिस तरह से 1 4 2 6 2 8 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो यार 1 यहाँ पे क्या पर है, यहाँ पर है। अब मुझे 1 जो है ना इधर आपने बिल्कुल अच्छे से जो है सर्कल कर देना है, ठीक है। अब 4 यहाँ पर है तो आपने 4 रोल नंबर, जो भी रोल नंबर होगा आपका उसके ऊपर आपने इस तरीके से, ठीक है, 2 आपका है, 2 देखो यहाँ पर, तो 2 के ऊपर कर दिया। एक बात लाजमी याद रखना, अगर कलर बाहर निकल जाता है आपके बबल शीट में तो वो जो स्कैनर है वो रीड नहीं करेगा आपसे आपके MCQs को, और आपके नंबर फजूल के कट हो जाएंगे। तो कट ना हो इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं
उनके एमसीक्यूज बच जाएं, क्योंकि अब एमसीक्यूज वैसे भी कम है आप लोगों के, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। जब 2022 के अंदर आया था ये, तो उस वक्त आपके एमसीक्यू 40 मार्क्स 35 मार्क्स के हुआ करते थे, गलती की गुंजाइश थी। अब ऐसी मिस्टेक करेंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं है। 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, अल्लाह ना करे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे तुम लोग कर देते हो तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा, अब 2 था तो मैं 2 के ऊपर इस तरीके से लगा रहा हूँ। अब 8 है, 8 देखो यहाँ पे कहाँ पर है, बोले यहाँ पर है, तो 8 फिर मैं इसको भी अच्छे से, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इधर अभी कर रहा हूँ। देख इस तरीके से आपने कर लेना है, लाजमी याद रखना बिल्कुल सर्कल के अंदर होना चाहिए तभी यह स्कैन करेगा। अगर आपने यूं स्क्वायर कर लिया, टिक लगा दिया सर्कल के अंदर, या इस तरीके से सिर्फ पूरा फिल नहीं किया, इसके कोने कोने को इस तरीके से फिल कर लिया, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एमसीक्यू कोड है, कोई ना कोई कोड आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल PH10, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है, या फिर C2, ठीक है। तो अगर M2 आ जाता है तो यहाँ पे 2 होगा, 2 0 है सबसे पहले, 0 2, तो फिर आपने यहाँ पर जो है, जैसे 0 आ गया तो इसको सही से आप फिल कर लेंगे, फिर 2 आ गया तो आपने इसको फिर प्रॉपरली फिल कर लेना है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, आपकी कॉपी की जो होती है, बेसिकली आपकी जो कॉपी होगी उसके अंदर एक स्क्रिप्ट नंबर होता है, ठीक है। कॉपी नंबर मतलब कि जो थ्योरी कॉपी होगी, जो आपको कॉपीज मिलती है इसमें आप थ्योरी लिखते हो, उसमें आपको जब फर्स्ट पेज मतलब कि जहाँ पे आप अपना नाम, रोल नंबर ये सब लिख रहे होते हो, उसके टॉप के ऊपर जो है ना, आपको एक स्क्रिप्ट नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसको स्क्रिप्ट नंबर या कॉपी नंबर भी कहते हैं, जिससे आपकी अटेंडेंस होती है कॉपी की, कि अगर आप बी कॉपीज ले रहे होते हो या आप उस तरीके से कॉपीज ले रहे होते हो ना, तो वो एंट्री होती है आपकी शीट के अंदर। तो वो नंबर बेसिकली जो है, जो टॉप वाला नंबर है, वो यहाँ पे लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये मेरा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है। आपने प्रॉपरली कलरिंग करनी है, जैसे कलर करते हो ना वैसे प्रॉपरली कलर करनी है। 1 2 इस तरीके से, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, इधर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, इधर आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो जो 1 होगा 1 के इधर हो जाएगा, 2 अगर आपका जो भी आपका स्क्रिप्ट नंबर है वो लिखोगे इसी तरीके से, ये पूरा है आपका। अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है मेन। देखो यार, फॉर एग्जाम्पल ABCD आपका पहला MCQ है, ठीक है। अब आपका उसका आंसर जो है वो बी ए है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉपरली इन मतलब कि लाइन से बाहर नहीं जाए, आपने इसको प्रॉपरली जो है यूं करके, हाँ ठीक है, इस तरीके से आपने प्रॉपरली करना है। और हाँ, एक और बात है कि एग्जाम के अंदर जो कि मैं एनुअल 2023 से ऑनवर्ड, एनुअल 2023 से ऑनवर्ड, अब बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा होगा कि जो मतलब कि आप सर्कल लगा रहे हो, जो OMR शीट पे सर्कल्स लगाए हैं, ठीक है, वो अब आप जो है, जो भी आपने फॉर एग्जांपल OMR शीट पे सर्कल्स लगा रही है ना, वो अब आप अपनी कॉपीज पे भी लिखोगे। जो थ्योरी कॉपी आपको मिलेगी ना, जो थ्योरी कॉपी होगी उसके ऊपर जिस तरीके से पहले MCQs लिखा करते थे ना, वो उस पर भी लिखोगे आप, और यहाँ पे OMR शीट पे सर्कल्स भी लगाओगे, दोनों काम करोगे आप, ठीक है। सुन आप लोगों को पता चल जाएगा, बट ये आपको दोनों करना होगा, यहाँ पे भी सर्कल लगाना होगा और थ्योरी की कॉपीज में भी आपने लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ पे आपका बेसिकली सिग्नेचर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका सिग्नेचर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, जो भी उस क्लास में होगा, वो आपका सिग्नेचर कर देगा, आपका सिग्नेचर अपना सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। और इधर मतलब कि जो भी आपके आंसर, फॉर एग्जाम्पल 20 MCQs हैं, अब एक का सी है, तो भाई सी आपको प्रॉपरली अंदर ही पूरा काम करना है, बाहर नहीं निकालना, ठीक है। इस तरीके से आपने ये पूरा मतलब के सुकून से अंदर आपने इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मतलब के आपका कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन थी OMR शीट से रिलेटेड, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन से ऑनवर्ड जो है वो आप अपनी कॉपीज के अंदर भी लिखोगे। और रही बात, तो यार इस तरीके से आपने कम्प्लीटली OMR को करना है। एक और बात बता देता हूँ कि यार 20 मार्क्स के आपके MCQs हैं, पहले 40 मार्क्स के होते थे तो डिटेक्ट होने का मसला नहीं होता था, बच्चे गलतियां कर कर आते थे तो, मगर प्लीज फॉर गॉड सेक अब आपके पास गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट कि यार आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स के अंदर, तो MCQs एक मेजर की रोल प्ले करेगा आप लोगों की स्टडीज में, ठीक है। तो उसके लिए आपको OMR शीट को प्रॉपरली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी फॉर एग्जाम्पल यार अगर थोड़ा टाइम मिले तो MCQs के साथ साथ इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस से मुराद मेरा ये है कि यार जस्ट प्रॉपरली सर्कल्स लगाना आपको आने चाहिए, कि इन केस अगर सर्कल्स थोड़े बाहर चले गए, या आपने सर्कल्स सिर्फ कोने में लगा दिया इस तरीके से, या सर्कल्स आपने ऐसे लगाया कि भाई आधे बाहर निकल रहे हैं आधे अंदर, तो जो बेसिकली स्कैनर होगा वो आपका एक MCQ रीड नहीं करेगा। बेशक आपने आंसर ठीक लगाया हुआ हो, तो वो क्या हुआ, वो आंसर आपका गलत हो गया पहला, ठीक है। आपने सही भी किया हुआ होगा फिर भी आपका गलत हो जाएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एनुअल 2023 से कॉपी में भी लिखेंगे, इसकी अभी डिटेलिंग कन्फर्मेशन तो वैसे नहीं है, मगर हाँ जो कहा गया हुआ है हमें वो यही है कि 2022 वाला जो बेसिकली था उसके अंदर आपको सिर्फ OMR शीट के ऊपर करवाया था, जो कि मैनुअली जब चेक हुआ ना, तो वो OMR शीट पे काफी मुश्किल हो रही थी चेकिंग पे,
मगर अब तो मैनुअली चेक नहीं होगा, अब तो आपका जो है ऑटोमेटिक ही चेक होगा, मगर फिर भी जैसे आप लोग के टीचर्स कहेंगे आपने वो करना होगा। अभी तक का तो ऐसे ही है कि आपको कॉपीज में भी लिखने होंगे, ठीक है, जो आप यहाँ पे सर्कल लगा रहे हो कॉपी में भी लिखने होंगे। तो इसलिए फॉर गॉड से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, अल्लाह ना करे आपने 10 के 10 एमसीक्यूज में ऐसे ही बना दिया, कहीं बाहर निकल रहा है, तो 10 के 10 एमसीक्यूज आपके गलत हो गए। बेशक वो आपने ठीक भी किया हुआ हो, वो आपके करेक्ट भी होंगे, आप बोलोगे मैंने ठीक किया है तो नंबर क्यों कटे, मगर ओएमआई शीट पे आपने जो है बबल शीट जो बेसिकली है इसके ऊपर आपने जो मार्किंग की है आपने सही नहीं की, तो स्कैनर ये स्कैन नहीं कर पाएगा और वो ऑटोमेटिकली एक रॉन्ग कंसिडर्ड होगा, बेशक आपने सही भी किया हुआ हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये ओएमआर शीट से रिलेटेड जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है, क्योंकि मैं बेसिकली ये एक इनिशिएटिव लेके चल रहा हूँ ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0 का, तो ये इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली कि आप लोगों को जो है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओएमआर शीट का जो एक मेजर रोल है, एमसीक्यूज का जो एक मेजर रोल है, ये आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है अपने न्यू वीडियोज के साथ मैं हाजिर हूँगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।